आपके बॉक्स सबसे पहली बात हमारी फिर सेकंड चैप्टर की टॉपिक चल रही है। सेकंड चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अभी हम लोग को पोटेंशियल का हमने क्लास पिछली क्लास में किया, अब हम लोग को आज पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डाइपोल के कारण हमको पोटेंशियल निकालना सीखना है। किसके कारण? डाइपोल के कारण। आपने इससे पहले भी पढ़ा है डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। याद कीजिएगा, दो बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना पूछेगा बोर्ड। एक तो पूछेगा एक्सिस के किसी पॉइंट पे, एक पूछेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पे। उसी तरह हमको डाइपोल के कारण दो जगह पोटेंशियल निकालना सीखना है, एक एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। बात समझ में आ गया? तो हमारे एनसीईआरटी की टॉपिक है आज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यानी लेक्चर नंबर 6। आप भी अपनी कॉपी पे लिख ले लेक्चर नंबर 6। हम लोग लिखते हैं टॉपिक हमारी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसमें हमारे बच्चे दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉइंटिंग नंबर 1 पे देखो आपको रहेगा, पहली पॉइंट देख ले हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज 0। एक क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे आपका जो पोटेंशियल निकालोगे उसकी वैल्यू आएगी 0। दूसरी पॉइंट आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसका तो आंसर आएगा 1/4πε0 P/r² ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। यानी हमारी दो टॉपिक है डाइपोल संबंधित, पोटेंशियल दो जगह निकालना है। एक निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पे, एक निकालना है एक्सिस के किसी पॉइंट पे, एक्सिस के किसी पॉइंट पे। ये हमारी दो टॉपिक है। आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे और अगली क्लास में इस टॉपिक को देखेंगे। फास्ट में लिखेंगे R² सॉरी 1/4πε0 P/r². अब ये देख रहे हैं कि कैसे होता है। ये तो हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल का मान 0 है, बट हाउ, कैसे, ये हम लोग को देख रहे हैं। चलिए बात नहीं कर रहा, आपने दोनों पॉइंट लिख लिया, हम लोग ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए हमारी क्वेश्चन है, यहां पे बात नहीं करें, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात नहीं करोगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। बाहर जाएगा तो बाहर चले जाइए, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या निकालना है, कहां पे, पॉइंट पे, पॉइंट कहां है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। आंसर कितना होगा? जीरो। चलिए सभी बच्चे पहले क्वेश्चन लिख लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आप लिख लें, सॉल्यूशन की बात मैं करता हूं यहां। पहले क्वेश्चन उतार ले। हाथ नीचे रखो। दे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे? पॉइंट पे। पॉइंट कहां है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। सॉल्यूशन बनेंगे, दिस इज योर डाइपोल। ध्यान से देखिएगा, ये डाइपोल का नाम है ए बी। डाइपोल का आपको पता है चार्ज होता है माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल की लंबाई कितनी है? डी। कितनी बार? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको पहले सोच लो, इसका मध्य बिंदु पे यहां लंब डाल दो। 90 डिग्री बना दिए। चलिए ये 90 डिग्री हुआ। इसको मान लो ओ, और इस बिंदु पे हमें निकालना है पोटेंशियल वी बराबर वन। ध्यान सुनने वाले लिखे नहीं, ये ए बी डाइपोल हुआ। ए बी डाइपोल, ए बी डाइपोल की लंबाई कितनी? डी। सबसे पहली बात, ए बी इज अ डाइपोल हुज लेंथ इज डी। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, और इस बिंदु पे आपको निकालना है पोटेंशियल। ओ से पी की दूरी कितनी मान लेते हैं? याद कीजिए, हमेशा डाइपोल में डाइपोल के मध्य बिंदु से पीक की दूरी आर मानी जाती है। अब आपको इस बिंदु पे पोटेंशियल निकालना है, और इसका आधी दूरी कितनी हो जाएगी? डी बाई टू। आधी दूरी डी बाई टू। इसको नोट कर ले पहले, आगे आ जाइए। अच्छे से बनाइए। एबी क्या है? डाइपोल। डाइपोल की लंबाई हमें क्या निकालना है? पी बिंदु पे पोटेंशियल। अब इस बात को नीचे भी लिख लो। सपोज एबी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज लेंथ इज डी। हुज लेंथ इज, इसकी लंबाई कितनी है? डी है, फुल स्टॉप। हमें क्या क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल कहां पे? एट पॉइंट पी पर। एट पॉइंट पी पर, और ये पॉइंट पी कहां है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल है। चलिए इस बात को नोट कर लें। ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। आप क्या करो, ए से पी को मिला दो। ये दूरी मान लो एक्स, और इसको भी इससे मिला दो। ये दूरी कितनी हो जाएगी? बी। बी से मिला दें, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? एक्स। ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे,
शांति बाहु त्रिभुज मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, उसको बी से मिला दीजिए, एक्स दे दीजिए, सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है पोटेंशियल, क्या निकालना है किस बिंदु पे, तो दो बार पोटेंशियल निकलेगा, एक बार माइनस क्यू के कारण, एक बार प्लस क्यू के कारण, इतनी बात समझ में आया, इतनी बार पोटेंशियल निकलेगा, एक बार किसके कारण, अरे एक बात समझ रहे, सारे बच्चे पर लिखना बंद कर दे, आप अपना कीमती वक्त मुझे दो मिनट दें, इतनी बार लिख लिए हैं, ये पूरा हो गया तुम्हारा, हुआ जी नहीं हुआ था कर लो, दो मिनट टाइम दो मुझे लिखो, एक मिनट और टाइम देता हूं, क्या लिखो, रुको ध्यान से सुनिएगा, अब आप गौर से मेरी बात को सुने, देखो जा अगर ये रब कर रहा हूं मैं, रब बात देखो, रब समझ लो, ये बिंदु पर चार्ज क्यू है और आपको यहां निकालना है पोटेंशियल, दूरी कितनी है, आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है 1/4πε0qr, इतनी होती है ना, आपसे ध्यान रखो ये पूछे क्या आर क्या है, तो आपका ना सर चार्ज से बिंदु की दूरी, जहां पे पोटेंशियल निकालते हैं उस बिंदु की दूरी चार्ज से, आर कहां से है, चार्ज से बिंदु की दूरी जहां पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अब गौर से सुनिए, हमें निकालना है पोटेंशियल माइनस क्यू के कारण, अब कोई नहीं लिखेगा बोले समझो, नाउ पोटेंशियल ध्यान दीजिए, बस सबसे इंडिया का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, 12 में सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए ध्यान सुनिए, पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, रुक जाए जब भी ये आप लिखिएगा तो एग्जाम में इसको छोड़ करके पैराग्राफ यहां से मत लिखना शुरू कीजिए, मैथ हमेशा यहां से होता है, वी वन बराबर 1/4πε0qr, क्यू कितना है माइनस क्यू, आर किसको, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये आर नहीं बढ़ेगा, आपको भी बताएं फॉर्मूला में जो आर होते हैं वो चार्ज से बिंदु की दूरी, तो माइनस एक्स हो जाएगा, इस माइनस को यहां लिख दे, ये भी वन यहां से लिखेंगे कि बीच में, हाँ मैथ का रूल है, फिर एक लाइन छोड़ कर माइनस 1/4πε0qx, इक्वेशन कितना हो गया, इतना नोट कर ले, जल्दी कीजिए वो लिखो जल्दी, पोटेंशियल जब निकालते हैं तो आर क्या है, चार्ज से बिंदु की दूरी, चार्ज से बिंदु की दूरी कितनी है, यहां पर कितना है, इसलिए बच्चे में क्या हो जाएगा एक्स, चार्ज निगेटिव है यहां, चार्ज निगेटिव, तो आपने ये भी लिखा था कि जब पोटेंशियल निकालना हो तो चार्ज का चिन्ह देना आवश्यक, चलिए फास्ट में लिखे, अब किसके कारण पोटेंशियल, फिर लिखो पोटेंशियल लेते चलो एट पॉइंट पी पर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वी टू बराबर 1/4πε0 प्लस क्यू बाई कितना, यहां से अंदर दूरी फिर एक्स, इक्वेशन कितना सेकंड, इक्वेशन सेकंड फास्ट, इक्वेशन सेकंड, अब क्या करें बोलो, नेट पोटेंशियल दोनों को जोड़ दो, लिखो फिर, अब हमारे बच्चे बोर्ड को देखे फिर नेट पोटेंशियल कहां पे,
एट पॉइंट पी पे बी बराबर बी वन प्लस बी टू बी वन का वैल्यू पुट कर दो माइनस वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स प्लस बी टू का वैल्यू पुट करो वन बाई फोर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय प्लस ये दोनों सेम चीज प्लस माइनस क्या हो गया बी बराबर जीरो अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है चले आगे की बात करते फिर आगे लिखे इसका नोट कर ले कंटिन्यूस रहेगा ये बात आप समझ पे आ गए ना उसमें नेक्स्ट पॉइंट लेकर इसको मैं मिटा दूं इसपे इसके बाद अपने हर बैच में एक शॉर्ट क्वेश्चन को ऐड किया है इसलिए इसी लेक्चर में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको रहेगा चलिए आप ऊपर में हेडिंग देते फिर इक्वल पोटेंशियल सरफेस ज्यादा बात ना करें ऊपर एडिंग देते फिर एक टॉपिक की बात फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इक्वाई पोटेंशियल सरफेस एंड एक टॉपिक है इक्वाई पोटेंशियल सरफेस वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब आपसे क्वेश्चन फिर आपको बोल कर 100% क्वेश्चन सेट किया हुआ इसका बीएम 100% क्या हुआ ध्यान पर रखना इस क्वेश्चन को आपकी है हेडिंग क्वेश्चंस डिफाइन इक्वाई पोटेंशियल सरफेस डिफाइन इक्वाई पोटेंशियल सरफेस डिफाइन इक्वाई हेडिंग दे दो और नीचे में क्वेश्चन बना दो डिफाइन इक्वाई पोटेंशियल सरफेस सॉल्यूशन सोल्यूशन में इक्वल पोटेंशियल सरफेस लेकर के इक्वल पोटेंशियल सरफेस लेकर के डैश दीजिए हेलो हाँ बोलिए इक्वल पोटेंशियल सरफेस कल से 3 बजे स्टार्ट होगा इक्वल पोटेंशियल सरफेस कल से 3 बजे स्टार्ट हो रहा है इक्वाई पोटेंशियल सरफेस और इसकी संधि पीछे देख लें अगर हम लोग इक्वाई पोटेंशियल को दो भाग बांटे तो इक्वाई प्लस पोटेंशियल यानी वैसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पे पोटेंशियल का मान क्या हो बराबर हो मान लो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है ध्यान सुनेगा इस व्हाइट बोर्ड के इस बिंदु पे पोटेंशियल का मान मान लो 10 वोल्ट यहां भी मान लो कितना 10 वोल्ट यहां भी मान लो कितना 10 वोल्ट ये हमारी जो सतह है वह कहलाएगा इक्वल पोटेंशियल वैसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान बराबर वैसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान बराबर हो मान लो कि यह हमारी बोतल है ओके ये बोतल है इस बोतल की सतह मान लीजिए इस बिंदु पे मान लीजिए पोटेंशियल कुछ है 10 वोल्ट यहां भी मान लीजिए 10 वोल्ट यहां मान लीजिए 10 वोल्ट यहां मान लीजिए 10 वोल्ट यानी हर सतह के प्रत्येक बिंदु पे अगर पोटेंशियल का मान बराबर है तो ये सतह इक्वल पोटेंशियल सरफेस अगर पोटेंशियल का मान अलग अलग है इक्वल पोटेंशियल सरफेस नहीं होगा तो वैसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या चीज बराबर पोटेंशियल का मान बराबर यहां पर लिखेंगे दी सरफेस वैसी सतह हैविंग इक्वल पोटेंशियल हैविंग इक्वल पोटेंशियल एट इच पॉइंट एट इच पॉइंट इज कॉल्ड क्या कहलाता हो इज कॉल्ड इक्वाई पोटेंशियल सरफेस इज कॉल्ड इक्वाई पोटेंशियल सरफेस उसको कौन सी सतह कहते भैया एक बार पोटेंशियल सरफेस दी सरफेस हैविंग इक्वल पोटेंशियल एट इच पॉइंट इज कॉल्ड इक्वल पोटेंशियल सरफेस यहां हिंदी लिख लो वैसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या चीज पोटेंशियल का मान बराबर हो पोटेंशियल का मान बराबर हो उसे
उसे इक्वाई पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, उसे इक्वाई पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। देखो कौन सो नीचे वाले, उसे इक्वाई पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इक्वाई पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इक्वाई पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। वैसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक का मान पोटेंशियल का मान बराबर हो उसे एक बार पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। एग्जांपल मिल लीजिए इसका, एग्जांपल मैं दो तीन एग्जांपल देता हूं। और कंफ्यूजन तो नहीं है, इक्वल पोटेंशियल पर वैसी सरफेस है, वैसी सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पे पोटेंशियल का मान बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो वह सतह इनका पोटेंशियल नहीं होगा। जी इसके दो इंपोर्टेंट एग्जाम देता है, दो ध्यान रखिएगा। जब भी एग्जाम में आएंगे तो दो ही आते हैं, और सारे आएंगे तो अपने बुद्धि विवेक से काम कर सकते हो। यहाँ देख लो, यहाँ तो अभी अभी तुमने पढ़ा लिया डाइपोल था, वो यहाँ देखो डाइपोल था, डाइपोल पे चार्ज कितना माइनस टू प्लस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ठीक है। और अभी अभी आपने पढ़ा कि यहां पर जो पोटेंशियल था वो जीरो था, यहां भी पोटेंशियल निकालोगे जीरो, यहां निकालोगे जीरो, यहां निकालोगे जीरो, यानी और नीचे चले जाओगे, इसको नीचे भी कर दोगे ऐसे, यहां भी पोटेंशियल निकालोगे जीरो का, माने पोटेंशियल यहां पे ये सभी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और यहां पे कोई सतह को ऐसे रख दोगे, यहां ध्यान दो, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये सतह रखा हुआ है ऐसे, देखो ध्यान देना माय डियर, और थ्री डी का फिगर है ये, ऐसे रखा हुआ है फिगर, ये सतह है, इस बिंदु पे पोटेंशियल जीरो, इस बिंदु पे पोटेंशियल जीरो, यानी कि कोई सतह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, बात समझ में आ रहा? दिस इज योर डाइपोल, मान लीजिए कि ये डाइपोल है हमारा, ये डाइपोल है, और इस डाइपोल का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सतह हो गया ऐसे, इस सतह पे पोटेंशियल का मान कितना होगा जीरो, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा जीरो, यहां पोटेंशियल कितना होगा, तो इस सतह को कहेंगे इक्वाइपर। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी पूछ दिया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस, अगर कोई सरफेस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, अगर यहां पे है तो फिर नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो तो वह सतह क्या होगा? इक्वल पोटेंशियल सरफेस। और यहां पर आपने देखा यहां भी पोटेंशियल कितना है? यहां भी जीरो है, पर बराबर तो है ना जी, जीरो भी तो है तो बराबर है ना, है ऐसा तो नहीं कहीं जीरो कहीं दो कहीं तीन, ऐसा तो नहीं ना। दिस इज योर इक्वाई पोटेंशियल सरफेस, लिख लें इक्वाई पोटेंशियल सरफेस, जल्दी करें। अगर हम इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दें तो क्या लिख सकते हैं? इफ यदि कोई सतह कहां हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, इफ ए सरफेस इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, then surface is equal potential surface, equal potential surface, that surface is equipotential surface। ये सतह कैसा होता है भैया? इक्वल पोटेंशियल। क्यों?
क्योंकि प्रत्येक बिंदु पे पोटेंशियल का मान जीरो हो रहा है, बराबर हो गया ना, जीरो है लेकिन बराबर है कि नहीं। तो इस सतह को बोलेंगे ये लाइन नहीं है, सतह ऐसे प्लेट है समझ लो, तख्ता जैसा, थ्री डी फिगर है, लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा ना। अब क्या है सुन लो, एक और उदाहरण आपको देखना है, दो एग्जाम्पल आते रहते हैं। ये फिगर क्या बताता है बोलिए, ये फिगर क्या बताता है कि कोई सतह अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा तो वह सतह क्या होगा, एक बार पोटेंशियल पूछेगा क्यों, अगर प्रत्येक बिंदु के पोटेंशियल का मान जीरो हो रहा है जो कि बराबर है, जीरो हुआ लेकिन बराबर है ना। चलिए हमारे सभी बच्चे डायग्राम उतार लिए, चलो मैं इसे मिटा देता हूं, कौन से देखेगा, तीसरा दूसरा एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए कि ये कोई गेंद है, इस गेंद का ये सेंटर क्या है, सेंटर है, और यहां पे आपने चार्ज रख दिया कितना, क्यों, सेंटर ओ पे, सेंटर पर रखा हुआ है तो याद कीजिए। अब यहां पे से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा, याद कीजिए रब मैं कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं, यहां देखिएगा दूसरे एग्जाम्पल का, आप क्यू चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल निकालेंगे, 1/4πε0 qr, यही ना होगा। फिर यहां देखिए, यहां पर जब पोटेंशियल निकालेंगे v2, तो v1 निकाले तो इतना ही हुआ, फिर आप v2 निकालोगे 1/4πε0, फिर दूरी तो वही आधी होगा। आपने क्या देखा, सेम चीज हुआ यहां, यानी कि ये गेंद की सतह है, ये गेंद है, मान लो गेंद है, गेंद की जो सतह होगी उसका प्रत्येक बिंदु पे पोटेंशियल का मान बराबर होगा, जीरो नहीं होगा, बराबर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, चार्ज कहां होना चाहिए, सेंटर पे, अगर सेंटर से हटके रहेगा ये दूरी कुछ हो जाएगी, ये दूरी अलग अलग, तब ये पोटेंशियल का मान भी बदल जाएगा। अगर कोई चार्ज इस सरफेस, यहां भी देखो, अगर चार्ज आपका यहां पर सेंटर पर रखा हुआ है क्यू, ये भी दूरी कितनी होगी, आर, यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, बराबर, ये भी दूरी क्या होगी, आर, यहां पोटेंशियल भी, यानी v1 बराबर v2 बराबर v3 बराबर v4, सबका वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0 होगा कि नहीं होगा। तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे, अगर कोई चार्ज सेंटर पे है, इफ यहां देख लो, दिस इज योर इक्वाई पोटेंशियल सरफेस, इक्वाई पोटेंशियल सरफेस, अगर इफ ए चार्ज, इफ ए पॉइंट चार्ज कहां पे है भैया, सेंटर पे, इज क्या रखा हुआ हो एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, देन तब देन सरफेस जो होगा, गोला का जो सरफेस ऑफ स्फीयर इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका होगा, इसका उदाहरण होगा, इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वाई पोटेंशियल, नोट कर लो इसको, इक्वाई पोटेंशियल सरफेस, नोट कर लो इसको, समझ में आ गया होगा ना। इस बिंदु पे पोटेंशियल, इस बिंदु पे पोटेंशियल, इस बिंदु पे पोटेंशियल, इस बिंदु चार को पोटेंशियल, सभी पोटेंशियल क्या होंगे, यहां भी निकालोगे तभी पोटेंशियल सेम होगा, हर बिंदु पे पोटेंशियल का मान सेम होगा, क्यों, क्योंकि दूरी सबकी बराबर है। बिल्कुल बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको,
दिल से भरे अपना। हमारे सिमिलर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें तो नोट इम्पोर्टेंट आता है, बहुत इम्पोर्टेंट नोट लिखवाएंगे लास्ट पॉइंट में, जो आपको बार बार न्यूमेरिकल में आपको असाइनमेंट में भी सेट है, बोर्ड में भी पूछा हुआ है, कई बार कंपटीशन में रिपीट है। तो इस पहले इस एग्जांपल को आपने नोट कर लिया ना, कोई पूछे भी वन यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा द सेम। इसलिए ये गेंद की जो सतह होगी वह एक बार पोटेंशियल सरफेस होगी। सारे बच्चे लोग काफी अब डायग्राम चलिए। अब मान लो किसी में कोई चार्ज को, चार्ज क्यू को यहां से यहां लाओगे या यहां से यहां लाओगे, तो पूछे यार कि वर्क डन कितना होगा। अरे सुन लीजिए क्वेश्चन क्या रहेगा, कोई चार्ज क्यू को यहां से इस बिंदु से यहां लाए या डायरेक्ट यहां से यहां लाए, आपको पूछेगा कि वर्क डन कितना होगा, जीरो। वर्क डन कितना होगा, चाहे जीरो होगा तो दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर है। कैसे होता जीरो देखते हैं नोट में, क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और नोट इंपॉर्टेंट लिखिए, व्हेन ए पॉइंट चार्ज क्यू इज ब्राउट लाया जाता है, इज ब्राउट माने लाया जाता है, इज ब्राउट माने लाया जाता है, इज ब्राउट लाया जाता है फ्रॉम एक बिंदु से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कहां पे है, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन अब वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज कितना होगा जीरो होगा। देखो कैसे होता है, मान लो ये हमारी कागज की कोई सरफेस है। अब हमने कोई चार्ज ए को ए बिंदु से बी बिंदु पे लाया, देखो ए बिंदु से कहां लाया, इसको लाया चार्ज क्यू को, इसको लाया चार्ज क्यू को, ए बिंदु पे मान लो पोटेंशियल है वी वन बराबर बी, और बी बिंदु पे पोटेंशियल वी टू बराबर बी, सेम पोटेंशियल एनर्जी, क्यों पोटेंशियल सेम है, ये सब हमारा कैसी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मान लो ये जो पूरा सतह देखते हो कागज का एक जो फ्रेम है, ये पूरा कैसी सतह है, इस बिंदु पे पोटेंशियल कितना भी, इस बिंदु में पोटेंशियल, यहां भी पोटेंशियल, आप चार्ज किसको ला रहे हो क्यू को, ए से कहां ला रहे हो बी पे ला रहे हो, तो वर्क डन का सूत्र देखो याद रखना इसको, वर्क डन डब्ल्यू बराबर सूत्र हो जाता है क्यू इंटू वी टू माइनस वी वन। देखो यहां पर क्यू वी टू लोड कितना भी, वी वन लोड भी कितना भी, दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, क्यू इंटू वी में से भी गया जीरो बराबर जीरो, यू आर द हीरो, वर्क डन इज जीरो। यानी अगर इक्वल पोटेंशियल सरफेस है तब चार्ज को एक बिंदु से उठाकर कहां रखोगे दूसरे बिंदु पे, तो काम नहीं हुआ, वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट है कंपटीशन में, और वर्क डन का सूत्र क्या होगा क्यू इंटू वी टू माइनस वी वन। ओके, इस तरह से इक्वल पोटेंशियल का काम क्या हो गया, इक्वल पोटेंशियल में ये क्वेश्चन बार बार आएगा, ध्यान रखिएगा इस पे वर्क डन निकालने के लिए। ओके, लिख लो पहले, लिख लो बच्चे को पहले, कहां पे वी टू बराबर भी भी वी वन बराबर भी, ए बिंदु पे पोटेंशियल वी वन बराबर भी, बी बिंदु पे पोटेंशियल वी टू बराबर भी भी, अब क्यू चार्ज को ए से कहां लाया बी पे, ए से कहां लाया बी पे, तो वर्णन निकालना था, तो वर्णन का सूत्र हो गया डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी टू माइनस वी वन। एक हमने देखा कि हमने डाइपोल के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल निकालना सिखा दिया, वो भी जीरो, आर्थिक पोटेंशियल सरफेस के बारे में हमने डिस्कस किया, वो भी क्लियर हो चुका है।
ओके, इसी तरह से दोनों टॉपिक आज की समाप्त हो जाती है। अगली क्लास में फिर नेक्स्ट की बात होगी। ओके, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट।